बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी फिल्म में। एक्चुअली फिल्म का स्क्रिप्ट जो था वो बहुत ही बढ़िया था और सभी लोगों ने परफॉर्म जो किया वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, स्पेशली आयुष्मान खुराना, उनकी दादी, उनके पिताजी और नीना गुप्ता। बहुत अच्छी मूवी थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी इतनी अच्छी मूवी होगी, पर बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी थी। मुझे मींस लीड की जो मदर ने ब्रेक किया है मैरी को नीना, वो बहुत अच्छा था, बहुत मुझे अच्छी लगी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अच्छी लगी, बेस्ट है। या इट वाज गुड, एवरी कैरेक्टर इज लाइक ऑसम, उन्होंने बहुत अच्छे रोल किए, स्पेशली द लीड कैरेक्टर्स आयुष्मान एंड द लीड हीरो, उन्होंने बहुत अच्छा। गाने फिल्म के ठीक थे, सॉन्ग्स जो लास्ट में सॉन्ग था वो मेरा फेवरेट है, गाने मोरनी द बेस्ट सॉन्ग, songs were awesome, especially the morning song I like a lot. Practical life के बारे में बताया है, मतलब अगर किसके life में होता है तो कैसे deal करना चाहिए and all that, वो सब बताया है। किसी भी उम्र में कुछ हो जाए मेरे उन्होंने की जरूरत नहीं है। Comedy है and practical topic पे ये movie बनाया है, that's the reason हम लोग first day first show देखने आए हैं and we were very excited and message definitely दे रही है, cause ये अगर किसी की life में हो रहा है how we can deal it, बिकॉज़ ये एकदम प्रैक्टिकल है, सो इसीलिए बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल से नमस्ते इंग्लैंड तो मैंने देखी नहीं है, पर जिस तरह की स्क्रिप्ट इस फिल्म की है तो ऐसी फिल्म तो रिसेंट टाइम में आई नहीं है, और नमस्ते लंदन जो है रेगुलर फिल्म है, इसे जरूर जरूर बदल पाएगी। इन लोगों ने प्रेजेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से किया स्क्रिप्ट को, और इन लोग का काम बहुत ही अच्छा है, ज़रूर ज़रूर ये फिल्म हर कोई देखना चाहिए, एक बार देखने लायक तो फिल्म है ही है ये। आयुष्मान की परफॉर्मेंस अंधाधुन के बाद ऐसी परफॉर्मेंस, मतलब टू बैक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, सानिया मल्होत्रा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पटाखा के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना, केमिस्ट्री की बात करें तो जच रहे दोनों साथ में, लगा नहीं था कि इन लोग दोनों साथ में केमिस्ट्री इनकी जमेगी, पर जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है। 5 आई वुड गिव 4.5, आई मीन से 4.5, 5 टू आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 3.5, 3.5 of India, and click on the bell icon for all the latest Bollywood updates.